अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 9 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो यू नीड टू ओपन योर बुक। यूनिट नंबर 9 इज ऑल इज नॉट लॉस्ट। ऑल इज नॉट लॉस्ट इज अ स्टोरी ऑफ अ नर्स which was very kind, caring, dutiful, and committed to her profession. This story highlights the importance of nursing profession and how the sincere effort and strong determination of a nurse saves a patient from a near crippling state. As a young professional, she wanted to save the world. So through this story, we can understand the importance of nursing profession and how we can give value to this profession. This profession, many of our males and females are serving the nation and they are committed towards their duty. So you need to open your books and let's start. This is the first paragraph of your book. It was the beginning of my profession as a nurse. Beginning means aagaaz, profession, pesha. Batour nurse, as a nurse, ye mere peshe ka aagaaz tha. Batour nurse, ye mere peshe ka aagaaz tha. I worked in the intensive care unit of the neurology ward, asabi imraz ka ward, intensive care unit, intihai nigahjash ka shoba, neurology ward ke asabi imraz ke intihai nigahjash ke shobe mein maine kaam kiya. As a young professional, एक नौजवान पेशावर के तौर पे आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाना चाहती थी. आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज, मैं उन मरीजों को सेहतयाब होते हुए देखकर पुरजोश हो जाती from the devastating accidents jo ke tabahkun hadsaat ka shikar hote. Yet I was pained, magar mujhe bahut takleef hoti to nurse those unki dekhbhal karke who were struck with acute neurological order jo ke mujhe unki timardari karke takleef hoti jo intihai nazuk आसाबी खराबी या अमराज का शिकार होते. डिवेस्टेटिंग एक्सीडेंट्स, तबाहकुन हादसात एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इंतहाई नाजुक आसाबी खराबी या आसाबी आर्जा का शिकार होते, स्ट्रक विद का शिकार होते. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू नेक्स्ट. बिगनिंग मीन्स आगाज, प्रोफेशन पेशा, इंटेंसिव इंतहाई, एक्साइटेड पुरजोश, क्विक तेज रफ्तार, रिकवरी सेहतयाबी, डिवेस्टेटिंग तबाहकुन, डिसऑर्डर खराबी, पेन तकलीफ, न्यूरोलॉजी आसाबी या आसाब से मुतालिक, विश ख्वाहिश पेशेंट मरीज, स्ट्रक मुबतला होना, न्यूरोलॉजिकल आसाबी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. One day, ek din, standing at the bedside of a young patient, नौजवान मरीजा के बिस्तर के साथ खड़ी, I wondered, मैं सोच रही थी, if she could make the same recovery like others, क्या वो भी दूसरे मरीजों की तरह सेहत याब हो जाएगी. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road.
हीरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थी। स्पाइनल इंजरीज, रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थी क्योंकि वो मसरूफ सड़क को अबूर करते हुए एक तेज रफ्तार बस से टकराई थी। क्रॉसिंग अ बिजी रोड, एक मसरूफ सड़क को क्रॉस करते हुए उबूर करते हुए एक स्पीडिंग बस तेज रफ्तार बस से टकराई थी। आई टूक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स, मैंने उसके बेजान हाथों को अपने हाथ में लिया, बेजान बाजुओं को अपने हाथ में लिया। एंड ट्राइड टू डू सेवरल एक्सरसाइजेस ऑन हर, और उस पर बहुत सी वर्जिशें करने की कोशिश की मगर बेसूद। ऑल बट इन वेन, वेन मीन्स मगर बेसूद, बेकार। ऑल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर, मैंने उसकी छोटी बहन को भी कहा टू कम एंड टॉक, के वो आए और उससे बात करे। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए दैट द वॉइस ऑफ नियर एंड डियर वन, के करीबी रिश्तेदार की आवाज सुनकर माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, ये सोचते हुए कि एक करीबी और प्यारे रिश्तेदार की आवाज सुनकर शायद उसके तकरीबन बेजान आसाबी खुलिए मुतहरिक हो जाएं। शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आईज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखें एक किस्म की बेबसी का इजहार कर रही थी। आई कुड रीड हर माइंड, मैं उसके जहन को पढ़ सकती थी थ्रू हर आईज, उसकी आंखों के जरिए। परहैप्स शी वांटेड टू से, शायद वो ये कहना चाहती थी प्लीज हेल्प मी, के मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। नाउ नेक्स्ट, बेड साइड, बिस्तर के साथ, वंडर सोचना, रिसीव मिलना, लाइफलेस बेजान, इन वेन बेकार बेसूद, सर्टेन मखसूस विक्टिम का शिकार होना, बिजी मसरूफ, सेवरल केई, एक्टिवेट मुतहरक होना, इंजरी चोट, न्यूरॉन्स असबी खुलिए, हेल्पलेसनेस बेबसी, नियर एंड डियर्स करीबी रिश्तेदार, exercise verdition. Now come to the third. A fellow nurse came near me and asked, meri ek saathi nurse mere kareeb aayi aur pucha, Rahila what are you doing, Rahila tum kya kar rahi ho, fighting a lost battle, ek haari hui jung lad rahi hu. I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. मुझे अपने साथी नर्स के एक मायूसाना तबसरा पर सदमा हुआ। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसका दिमाग काम करने लग जाए। बाय हर सिस्टर्स वॉइस, अपनी बहन की आवाज़ सुनकर। Also, or I am doing my best, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ to ensure, ये यकीनी बताने के लिए that her arms and legs get proper exercise, कि उसके बाजू और टांगों को मुनासिब वर्जिशें मिलती रहें। This might help her walk like a normal person, ये इसको एक आम आदमी की तरह चलने में मदद दे सकती थी। Meanwhile, इसी दौरान a senior doctor on duty walked in. एक senior doctor duty पर अंदर तशरीफ लाए। He gave me an ironic smile. उन्होंने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट से देखा and said, और कहा, if you spend most of your duty hours on one patient, अगर आप अपने फराइज का ज्यादातर वक्त एक ही मरीज पर सर्व करेंगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेस,
टू अटेंड द अदर पेशेंट्स, तो दूसरे मरीजों को तवज्जो देने के लिए हमें और नर्सिस भर्ती करनी होंगी. रिक्रूट मीन्स भर्ती करनी होंगी, अटेंड देखभाल करने के लिए दूसरे अदर पेशेंट्स, दूसरे पेशेंट्स, दूसरे मरीजों की. प्लीज गो, मेहरबानी से जाइए एंड सी द अदर पेशेंट्स, और दूसरे मरीजों को देखिए. वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इनसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है. आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, कि वो दोबारा कभी चल सकेगी. अंडरस्टैंड? नाउ फेलो मीन्स साथी, लॉस्ट हारी हुई, बैटल जंग शॉक सदमा हुआ, कोलीग साथी, कमेंट तबसरा, एंश्योर यकीनी बनाना, रिक्रूट भर्ती करना. पैरा नंबर 4, आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी. द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड, मरीज को तवज्जो दिए बगैर छोड़ देने का मशवरा. एडवाइस मशवरा, अनअटेंडेड तवज्जो या निगरानी के बगैर छोड़ देने का मशवरा. डिड नॉट सीम राइट, मुझे ठीक ना लगा. आई न्यू दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, मुझे मालूम था कि वो शदीद आसाबी नुकसान का शिकार हुई है. बट शी नीडिड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे एक और मौका देने की जरूरत थी. एन इनर वॉइस समवेयर इन मी स्पोक, मेरे अंदर कहीं एक जमीर की आवाज बोली. ट्राई वंस फॉर हर, इसके लिए एक और कोशिश कीजिए. नेक्स्ट, अपसेट मीन्स परेशान, एडवाइस मशवरा, लीव छोड़ना, अनअटेंडेड निगरानी, सफर दो चार होना. Unattended means निगरानी के बगैर, suffered दो चार होना, major बड़े, damage नुकसान, inner voice ज़मीर की आवाज. Para number 5, I went to the senior nurse, मैं senior nurse के पास गई. And told her, और उसे बताया, that I wanted to help this patient, कि मैं इस मरीज की मदद करना चाहती हूँ. And work with her more closely, और उसके ज्यादा करीब रहकर काम करना चाहती हूँ. The senior nurse looked at me. Senior nurse ने मुझ मेरी तरफ देखा with utter surprise, मुकम्मल हैरानी के साथ, and remarked, और तबसरा किया, that she had orders from the doctor in charge, के उन्हें निगरान डॉक्टर की तरफ से अहकामात हैं to shift her to general ward, के उसे जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए, आम वार्ड में, जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए. द डॉक्टर थॉट दैट शी वॉज अ होपलेस केस, डॉक्टरों का ख्याल था कि ये एक मायूस कुन केस है. एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और बिस्तर को दूसरे मरीजों के लिए खाली कर देना चाहिए. आई वॉज शॉक्ड, मुझे सदमा हुआ टू हेयर दिस, ये सुनकर. The patient's family also requested me, मरीज के खानदान वालों ने भी मुझसे दरख्वास्त की, to help them fight the case, कि वो इस केस के लिए उनके साथ मिलकर उनकी मदद, इस केस को लड़ने के लिए उनकी मदद करें. Something needed to be done, कुछ कर देने की जरूरत थी. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. मुझे अपने मरीज को अकेले इस खोई हुई जंग को लड़ने के लिए अकेला छोड़ना, मैं अपने मरीज को अकेला इस जंग, खोई हुई जंग को लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी. I made up my mind, मैंने फैसला कर लिया, to risk my career, कि मैं अपनी मुलाजमत को दाव पे लगा दूं, and help the patient, और इस मरीज की मदद करूं. I requested the senior doctors, मैंने बड़े डॉक्टरों से दरख्वास्त की, to allow me attend this young helpless patient, कि मुझे इस बेबस मरीज की, इस नौजवान बेबस मरीज की निगरानी करने की इजाजत दें. Somehow किसी ना किसी तरह आई वॉज एबल टू
मैं इस काबिल हो गई टू मेक द पेशेंट स्टे इन द आईसीयू के मैं इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में इस मरीज को ठहराने में कामयाब हो गई. अंडरस्टैंड. नाउ अटर मींस मुकम्मल, सरप्राइज, हैरानी, रिमार्क, कहना, ऑर्डर्स, इकदामात, शिफ्ट, मुंतकिल, स्पेयर, खाली करना, मेकअप वंस माइंड, फैसला करना, रिस्क, खतरा, करियर, मुलाजमत, अलाउ, इजाजत देना. Now, up till now, we have completed first five paragraphs of the lesson unit number 9, and you have to prepare the translation, Urdu translation, and the meanings of the difficult words in Urdu. Okay, prepare yourself for the test next time. Allah Hafiz.